राम राम भाई। सारे भाई आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई खड़े हाँ पा सीसर गांव में मैं जो है यो गांव पड़ा है भाई, और मेरे पीछे जो है आप ये गाड़ी देख दोगे, कारगिल यात्रा 2024, मतलब एक दल है शहीद सेवा दल। और भाई इस साइड में जो है मैं गाड़ी दिखाऊंगा, ये देखो आप, देखने का ही नज़ारा है भाई। क्योंकि आजकल जो है वोटा का टाइम चल रहा है, नेता मंत्री जो है भाई वोट मांगते अंडे हैं, कितने भी जाओगे भाई वोटा का जिक्र मिलेगा। लेकिन एक आप अलग तक भी जो है एक वीडियो बनावा, या गाड़ी देखिए अपन ने स्पेशल सजा रखी है, और यह गाड़ी जिसने बैठ करी है वो ये इंसान है भाई, समाज सेवी राजवीर सिंह दैया, ये देख लो प्रसिद्ध जो है समाज सेवी हैं। और पूरी गाड़ी जो है मैं दिखाऊं तो देख के जो है दंग रह जाओगे। जो यह यात्रा है वो इन गांव में इन शहरा में जो है जाओगी, और ये देख लो आप जो भी इसके सदस्य हैं दल के वो उस साइड जो है आप देखने लग रहे हो। जो यहाँ के जो शहीद हुए हैं उनकी जो है प्रतिमा के ऊपर जो है भाई एक तिरंगा आपने देखने लग रहा है। एक और जो है भाई जो ये दल है यो भी जो है अपना दल के नाम से जो है भाई तिरंगा लगाने लग रहे हैं। ये आप देखो भाई कितना शानदार जो है भाई नज़ारा है। फिलहाल जो है बात करा पा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर भिवानी जिले के जो हैं अध्यक्ष हैं उन तभी जो है बात करवाएंगे। पहली जो है अपन ने वीडियो बनाई जो नीरू पूनिया है, एक ऑटो चालक महिला है, बड़ी वायरल हुई, तो वो जो है भाई इस टीम की सदस्य है। भिवानी जिले से जो है अध्यक्ष जो है बना रखी है नीरू पूनिया, और उनके जो घराड़े हैं वो भाई उनका हमेशा जो है साथ रहे हैं, अपना परिवार न छोड़ के काम धंधन छोड़ के जो है भाई इस दल का साथ में जो है भाई जड़े भी जहाँ हैं उड़े जाव हैं। तो बात करवावा, ये देखो आप, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सबसे पहले उनसे बात करांगे। आ जाओ, राम राम जी। भाई साहब राम राम। ठीक सुंदर, बिल्कुल बढ़िया। स्टार सुंदर के सभी दर्शकों को जय हिंद। जय हिंद जी। तो अपना परिचय दे दो, आप कहाँ से हो, नाम क्या है, कौन सा गांव है? मेरा गांव कथुरा, जिला सोनीपत, सावन सिंह रोहिला जी। तो सावन जी बात करा पा, जो आप या यात्रा निकाल रहे हो इसका जो मैन उद्देश्य है और जो आप तिरंगा फहरा रहे हो इसका बारे में बताओ। ग्रामीण का जो है कितना जो है सहयोग रहा है? बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है ग्रामीणों का, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक कहावत है कि जंगल में शेर कुछ होते हैं लेकिन उनका खौफ कितना होता है, तो तिरंगे को लेके जो यहाँ साथी इकट्ठे हुए इतने ही बहुत हैं। भीड़ और भेड़ इकट्ठी नहीं करनी, जो साथी हैं तिरंगे के सम्मान में इतने ही काफ़ी हैं, और बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। कहीं वो कहते हैं ना, कहीं 5 आदमियों की शादी होती है, कहीं 500, तो ये चलता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सहयोग गाँव का मिलता है। कारगिल के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लोग अपनी शादियों की सालगिरह मनाते हैं, सिल्वर जुबली मनाते हैं जी। हम उस जीते हुए युद्ध की, हम कुर्बानियों की जो 25वीं वर्षगांठ है वो एक यात्रा के माध्यम से हरियाणा के गांव गांव होते हुए और उन सभी गाँव में तिरंगा स्थापित करते हुए जी मना रहे हैं जी। तो हर गाँव में आप जाओगे? हाँ, कारगिल के 74 हरियाणा में शहीद हैं, यात्रा सब गिराए में हमारे महावीर जी बुरा, उनके जो बेटे हैं वो, और परमवीर चक्र योगेंद्र यादव जी एक दिन पहले आकर चले गए। मतलब इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में ओपनिंग से लेके समापन तक कोई राजनीतिक इन्वॉल्व नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई समावेश नहीं, केवल मात्र हम शहीद परिवारों को सर्वोपरि और मुख्य अतिथि मान के उनको बुला करके सम्मान करते हैं जी। नहीं, लास्ट में समाप्त कब होगी, किस तारीख को होगी? 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाएगा कारगिल में जी। वहाँ हम जा करके सेलिब्रेट करेंगे विजय दिवस को। पूरी टीम जाएगी आपकी? हाँ, पूरी टीम, क्या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए,
भावना जिसके मन में लास्ट 99 पे जाके भी आ गई वो भी कहेगा हम भी कारगिल चलेंगे, आप भी जाओगे कारगिल, मैं ये कह रहा हूँ। धन्यवाद जी। चलो तो बात करा भाई इस जोड़े की, तो ये भाई आपने जो है वीडियो बनाई और वीडियो काफ़ी वायरल हुई आपकी, तो नीरू जी बताइए आज का इस प्रोग्राम ने लेके और जो यात्रा चल रही है गिराए में हमारे महावीर जी बुरा उनके जो बेटे हैं वो और परमवीर चक्र योगेंद्र यादव जी एक दिन पहले आकर चले गए, मतलब इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में ओपनिंग से लेके समापन तक कोई राजनीतिक इन्वॉल्व नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई समावेश नहीं, केवल मात्र हम शहीद परिवारों को सर्वोपरि और मुख्य अतिथि मान के उनको बुला करके सम्मान करते हैं जी। नहीं लास्ट में समाप्त कब होगी, किस तारीख को होगी? 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाएगा कारगिल में जी। वहाँ हम जा करके सेलिब्रेट करेंगे विजय दिवस को। पूरी टीम जाएगी आपके? हाँ पूरी टीम, क्या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए। भावना जिसके मन में लास्ट 99 पे जाके भी आ गई वो भी कहेगा हम भी कारगिल चलेंगे, आप भी जाओगे कारगिल, मैं ये कह रहा हूँ। धन्यवाद जी। चलो तो बात करा भाई इस जोड़े की, तो ये भाई आपने जो है वीडियो बनाई और वीडियो काफ़ी वायरल हुई आपकी, तो नीरू जी बताइए आज का इस प्रोग्राम ने लेके और जो यात्रा चल रही है उन शहीदों की याद कमियाँ जिसने देश को ऊपर जान दी से, तो उनकी याद कमियाँ जब 25 साल पूरे होने पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और सभी से जितना भी जिस भी गांव में होती हुई ये यात्रा जाएगी सभी से एक निवेदन से कि इस यात्रा में जरूर चाहे 2 मिनट को टाइम निकालो जरूर पहुँचे सभी हिस्सा ले इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और जुनून की आप बात करा तो यो वो इंसान है, इस इंसान में इतना जुनून है भाई इस देश के प्रति शहीद के प्रति, तो इसके बारे में सुंदर मैं बताऊंगा। अच्छा वो 3 पहिया वाले जो बैटरी रिक्शा है ना वह लेकर सामण पहुंच गए कल, वो तो बड़ी मुश्किल तो मना करे हैं भाई यह डीजल वाली गाड़ियों की बराबरी नहीं हो सकती, तो आप इसने घर रखा हो और खुद आ जाओ, मतलब बड़ी मुश्किल तो है जो घर में झगड़ा हो जाना भैया बैटरी रिक्शा ना लेकर आइयो, भिवानी के अंदर आपकी बैटरी रिक्शा भव्य तरीके से सज के और पूरी यात्रा का आगे आगे वो चलेगी नेतृत्व करेगी, तो इस चीज के लिए मान गए हैं, जो आपने जवाब इन पचिए था वो मैंने दिया। सर बताइए क्या कुछ करना। सबसे पहले तो भाई सुंदर स्टार सुंदर न्यूज जितने भी आपके जो दर्शक सर सभी ने मेरी तरफ से जय हिंद नमस्कार जी। और आज बहुत ही बढ़िया खुशी का मतलब के दिन के सभी सब इनसे रहने मतलब के दर्शन दिए और आज हम अपना रोहतक जिले के सिसर गांव में शहीद के गांव पहुंच के तिरंगा का अनावरण किया है जी। तो बहुत बढ़िया महसूस हुआ था, खुशी मिली जी। सर आपका परिचय? जी अनंत गांव सिसर खास जी। मैं तो वही इतना ही कहूँगा शहीद याद में 5-5 पेड़ जरूर लगाएं, अपना बूढ़ा हो बुजुर्ग हो सभी एक एक पेड़ जरूर लगाएं। भारत माता की जय। राम राम जी। इसी गांव से हो? हाँ जी शहीद के भाई। अच्छा अच्छा तो बताइए आज जो ये भाई आए हैं इतनी दूर से और इतना जो मान सम्मान दिया है तो क्या कहना है इनके लिए? देखो जी ये कहना मेरा, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये आए हैं इन्होंने याद किया, 25 साल हो गए जी। तो भाई देखो थोड़े है नर्वस हो गए, आँखें में जो है आंसू आ गए, तो चलो तो भाई इन भैया तो जो है बात करवाएंगे। भाई साहब के नाम है? दीपक जी। गांव? गोहाना। गोहाना दीपक है गोहाना से। और आप भाई? मेरा नाम आशीष और मैं भी गोहाना से। गोहाना से? हाँ गोहाना। आप? मैं भी, मेरा नाम तरुण है और मैं भी गोहाना से ही हूँ। गोहाना से। हिमांशु पर नाम है जी गोहाना से। सारी टीम गोहाना से। आप भाई? मोनू बिद्दल। बिद्दल बिद्दल से। आप भाई साहब आप कहाँ से? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। आप भाई साहब? गांव दाखोरा जिला रेवाड़ी जी। और भी हैं क्या कोई? अच्छा इस साइड भी बैठे हैं, चलो बात करो हैं आप। हाँ हाँ राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। बात का तो लाग रही है? हाँ लागी थी जी। अच्छा अच्छा सूझ रहा है? हाँ सूझ भी रहा है। तो केकड़ा आज पूरी टीम आई है? शहीदों की माया है भैया, शहीदों का सम्मान करना चाहिए। जी क्या करना जी आज जो ये आए हैं इनके लिए? हम इनका सम्मान करते हैं यहाँ पे जो शहीद हो जो आगे वो करने का वो कर रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? सुंदरबान जी। तो कुछ कहना है आज पूरी टीम जो है यात्रा लेके आई है?
अच्छी शुरुआत है। कहने का मतलब मेरा तो यही है कि जो भी शहीद है चाहे कोई भी हो, भगत सिंह के लेकर के ये अपना जो वाजपेयी सरकार में शहीद हुए थे कारगिल में जी। उनको याद कर रहे हैं, अच्छी परंपरा है। यार आगे भविष्य में जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो भी देखेंगे कि भाई कितना मान सम्मान होता है, तो उनका भी हौसला होगा और वो जो है ना मिलिट्री वगैरह में या किसी बेल्ट की नौकरी जैसे को पुलिस है सीआरपी है जाने के इच्छुक होंगे। हाँ, सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद जी। चलो जी, आप कहाँ से बचे? सीसर से जी। तो क्या करना है भाई साहब, बताइए। कुछ नहीं, बस शहीदों का मान सम्मान होना चाहिए। बताइए सर, क्या करना आज के लिए? जी भाई साहब, ये बहुत अच्छी सोच है जो ये शहीद सेवा दल है। अच्छी इन्होंने अच्छी यात्रा कारगिल के जो शहीद कुछ वो शहीदा के लिए जो है रिलैक्सेशन देना चाहूँ। अच्छा, अच्छा। जी सुनो भाई, बताइए भाई साहब। मेरी मतलब एक तो ये यात्रा जो निकल रही है इसमें बहुत खुशी मिली कि भाई चलो कोई तो शहीदा के लिए जो चले गए हमारी सुरक्षा करते करते मतलब कोई कदम उठा रहा है, बहुत बढ़िया जो ये पहल है ये बहुत अच्छी लगी। आज मन्ने भी अड़ान का मौका मिला। मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक छोटी सी संस्था है जिसमें छोटे बच्चों का खेलना पढ़ना सारी सुविधा रहना, तो जो शहीद के बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण भाई एबल नहीं है फीस देने में और पढ़ाने में खिलाने में, तो मेरी तरफ से उन शहीदों के बच्चे चौथी क्लास से लेके प्लस टू तक स्कूल फ्री, रहना फ्री, खेलना फ्री। अच्छा। यानी सब कुछ, रहना खाना ड्रेस स्कूल की ड्रेस। सीसर गांव में हरियाणा स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से मेरी अकेडमी है ऑन रोड। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ आके कबड्डी और वॉलीबॉल फिलहाल चालू किया है अभी। हाँ, 9812578193 मेरा नंबर है, 9812578193। ठीक है। हाँ, तो आप उन बच्चों को हम अपनी तरफ से मतलब घर वाले तो ये सोच लें कि भाई हमने तो अपना सारा सिस्टम इनको सौंप दिया, वो पूरी परवरिश करने को हम। टोटल कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे यूपी से भी है, राजस्थान से भी, हरियाणा से भी, दिल्ली से भी हैं, यहीं पे रह रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो जो शहीद हुए हैं उस परिवार नहीं, उनमें से नहीं है। मैं आज से ही देखो न्यू तो कहने में कुछ भी कह सके आदमी, लेकिन हमने ये जो आज मैं बुलाया हूँ मैं कुछ कर सकूँ इनके लिए, तो मैंने सोच मेरे संज्ञान में यही आया कि भाई हम उन बच्चों के लिए कुछ तो करें। वो भाई तो हमारी सुरक्षा में ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने अपना जीवन दे दिया कि संपर्क करे, उसके लिए एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी पहनने के और स्पोर्ट्स ड्रेस भी देने की जरूरत नहीं, वो भी मैं अपनी तरफ से पहलाऊंगा, खुआऊंगा, रखूंगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो देख लियो आप यार पूछे और आपने यो बेड़ा उठाया और इतनी गर्मी में आप मेहनत कर रहे हो, तो रंग लाई कि नहीं लाई? मेरा असली नाम तो है सावन, घर के मन भी सोनू कार है, तो सोनू नाम के जो आदमी हो कम नहीं है। अरे सोनू भाई, जो भी शहीद हैं 1947 से लेकर अब तक के जितने भी शहीद हैं, हम परिवारों को चिन्हित करेंगे और कोशिश करेंगे कि जगह के हिसाब से भी, सामर्थ्य के हिसाब से भी, ऐसा तो नहीं है कि 500 बच्चे आ जाएं, लेकिन हाँ नहीं, फिर भी सारी चीज़ें मैंने सुनी, सोची, समझी, जो एबल है इस चीज़ के लिए हम उनको यहाँ खुद भी भेजेंगे और आपसे संपर्क भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो, राम राम अंकल जी। राम राम, राम। इसी गांव से हो? इसी गांव से। अच्छा अच्छा। तो आज देखो ये कारगिल वाले आए हैं और मान सम्मान दिया है जो शहीद हुए हैं उनको, तो क्या करना है बताइए? बहुत अच्छी बात है, होना भी याद होनी चाहिए। चलो धन्यवाद जी। ठीक है। चलो, तो आपने देखा भाई जो है कारगिल यात्रा 2024 जो है भाई शहीद सेवा दल जो भाई मेहनत कर रहा है, तो आप भी जो है भाई इनका सहयोग करो। जड़े भी ये दिखें तो जितना भी आपका सहयोग हो सहयोग जरूर करो। तो फिलहाल जो है मौजूद थे हम सीसर गांव में, तो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी। राम राम सारे भाई, जय हिंद, जय भारत।